बच्चों, आज हम आपको फोटोसिंथेसिस का एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसमें कि कार्बन का फिक्सेशन का पहला जो प्रोडक्ट है उसमें चार कार्बन होते हैं, जो मैंने आपसे पिछले चरण में चर्चा की थी, और उसका नाम होता है ऑक्सलोएस्टिक एसिड, और इसमें चार कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम C4 पाथवे भी कहते हैं। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे C4 पाथवे, और इस पाथवे को देने वाले साइंटिस्ट थे MDHH एंड CR Slack 1966। ये साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने बताया कि ये जो साइकिल है ज़्यादातर ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, C4 पाथवे का इन्होंने इसमें सबसे पहले बताने की कोशिश किया था। इन प्लांट्स में जो सबसे पहले C4 कार्बन वाला एसिड होता है उसको ऑक्सलोएस्टिक एसिड कहते हैं। बच्चों ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको, C4 का रिलेशन जिस एसिड से है उसको हम ऑक्सलोएस्टिक एसिड कहते हैं, और ये C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है। जिस प्रकार से C3 प्लांट्स में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, उसी प्रकार से C4 प्लांट्स में फर्स्ट जो कार्बन फिक्सेशन होता है वो ऑक्सलोएस्टिक एसिड के रूप में होता है। C3 पाथवे, और जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, बच्चों देखो इसके मतलब एक बात सीखे, C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं और C3 को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवे होता है, चाहे C3 प्लांट्स हों चाहे C4 प्लांट्स हों, इनमें दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे ये C3 प्लांट से किस चीज़ में डिफरेंट होते हैं और क्या रीज़न होती हैं, इसकी अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए C4 प्लांट्स जो हैं स्पेशल टाइप होते हैं, और इनमें भी स्पेशल सबसे ज़्यादा जो होता है उनकी लीफ होता है। स्पेशल टाइप लीफ एनाटॉमी, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा बच्चों, कि जो C3 और C4 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस चीज़ की एनाटॉमी सबसे ज़्यादा डिफरेंट पाया जाता है, रूट स्टेम लीफ, तो आप बेटा लीफ को मानेंगे, और उसके एनाटॉमी इस तरह से होती है कि जो हाई टेम्परेचर को सहन कर जाए, टॉलरेट कर जाए, हाई लाइट इंटेंसिटी के प्रति रिस्पॉन्स करे या प्रतिक्रिया करे, और इसमें जो होता है फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट होता है। ये तीन बातें बेटा जरूर याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। तीन मेन डिफरेंस मैंने आपसे यहाँ पे बात किया है, लीफ एनाटॉमी डिफरेंट होती है,
हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करते हैं और इनमें फोटो रेस्पिरेशन जो होता एब्सेंट होता है, और इनमें की जो पैदावार या प्रोडक्टिविटी होती है वो C3 प्लांट से या ज़्यादा होती है C4 प्लांट्स में। मतलब जो प्रोडक्टिविटी को हम बायोमास के रूप में कहते हैं, और ये एक ड्राई मैटर होता है। अब हम लीव के सेक्शंस को लेते हैं बच्चों, C3 प्लांट और एक लेते हैं C4 प्लांट, इनमें डिफरेंट होता है। बोथ हैव सेम टाइप मेसोफिल, ये क्वेश्चन है, हमें बच्चे ध्यान देंगे, नहीं दोनों में मेसोफिल डिफरेंट होता है। डिफरेंट टाइप का होता है ये मैं आपसे चर्चा कर ही चुका हूँ, और सिमिलर सेल अराउंड द वैस्कुलर बंडल, अभी मैं इसको बताने जा रहा हूँ बेटा। इनमें लार्ज सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल होती हैं, और इन वैस्कुलर बंडल को जो C4 प्लांट्स में पाई जाती हैं इसको बंडल सीथ कहते हैं। और इस प्रकार के एनाटॉमी को क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। तो पहला अंतर है C3 और C4 में लीफ के एनाटॉमी में डिफरेंट होता है, और जो C4 प्लांट होते हैं उनकी जो एनाटॉमी होती है उसको हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। इसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ बेटा, देखिए ये वैस्कुलर बंडल हो गया बेटा, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये बंडल सीथ हो गई, ये कई लेयर की बंडल सीथ होती बेटा। ये लोअर एपिडर्मिस हो गई,
ये अपर एपिडर्मिस हो गई, नो पेरिसेट, इस मीजोफिल टिशू अब्सेंट होता है, मीजोफिल टिशू में पेरिसेट अब्सेंट, मीजोफिल टिशू स्पेशल टाइप पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, प्रेजेंट। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कई लेयर की पाई जाती है, जिसको बंडल सीथ कहते हैं। बेटा ये बंडल सीथ हो गया, और ये जो हो गया सब स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, जिनमें डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। डाई मॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा। इसी को अब देखिए, जाइलम, ये जाइलम हो गया बेटा ऊपर का, नीचे का फ्लोएम हो गया, ये बंडल सीथ हो गई। इसी को हम क्रांजेनाटॉमी कहते हैं, इसी को हम क्रांजेनाटॉमी कहते हैं। क्रांज का मतलब रेथ होता है, रेथ, क्रांज का रेथ होता है जिसका मतलब कई लेयर हो, रेथ मतलब कई लेयर हो, और जिसमें सेल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। बंडल सीथ सेल्स कई लेयर को फॉर्म करती है, मैंने अभी आपके यहाँ बना के लेयर दिखाया है वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इसके खास करेक्टर होते हैं, लार्ज नंबर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, थिक वॉल होती हैं, इम्परमेबल होती हैं, मतलब गैस का एक्सचेंज नहीं कर सकती हैं, इम्परवेज टू गैस एक्सचेंज। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होते हैं। तीन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जो बंडल सीथ है इसमें लार्ज नंबर क्लोरोप्लास्ट, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, थिक वॉल होती हैं, दूसरा पॉइंट याद करना है, और नो इंटरसेलुलर स्पेस तीसरा पॉइंट याद करना है। और इसका एग्जाम्पल होता है मेज एंड सॉर्गम, जिसमें हम क्रांजेनाटॉमी को
देखेंगे बेटा। अगर हम अलग अलग लीफ की जो स्पीसीज होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं बच्चों और उनका वर्टिकल सेक्शन को देखेंगे, जिसके लिए हम माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं बेटा, तो हम बंडल शीट को वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि अभी आपने मेज और सॉर्गम में देखा है, और उसके आधार पे हम C4 प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट आइडेंटिफाई दी C4 प्लांट्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। अब हम लोग कैसे ये पाथवे चलता है इसको देखेंगे। दिस पाथवे को हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हैच एंड स्लैग ने 1966 में किया था, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम इसको बताएंगे कैसे होता है। इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो है एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम पेप कहते हैं, पेप फॉस्फोइनॉल पाइरवेट, ये आपको ध्यान रखना बेटा। और ये मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है, और इस प्रक्रिया के लिए एक एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है उसे पेप कार्बोक्सिलेज या पेप केस कहते हैं बच्चों। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जब पेप की बात आती है तो CO2 एक्सेप्टर होता है, जब पेप केस की बात आती है तो ये एंजाइम इस प्रोसेस को प्रेरित करना या बढ़ाने के लिए, कैटलाइज करने के लिए होता है। मीजोफिल सेल्स लैक रूबिस्को एंजाइम, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। C4 एसिड जो बनता है उस आपसे मैं चाहता हूँ उसे ऑक्सलोएस्टिक एसिड कहते हैं, और ये मीजोफिल सेल्स में बनता है। इनके अलावा जो C4 कार्बन है जो मीजोफिल सेल्स में ऑक्सलोएस्टिक एसिड बना, ये C4 कंपाउंड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के रूप में भी चेंज हो जाता है, और ये मीजोफिल में पाए जाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होके 4 कार्बन के मॉलिक्यूल ये बंडल सीथ सेल में पहुंचते हैं, और बंडल सीथ सेल जो है C4 एसिड में इससे ब्रेक हो जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बेटा, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों, इसे हम पाइरविक एसिड कहते हैं। एसिड जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये बैग होके फिर मेसोफिल में पहुंचता है, और वहां पे पेप का फॉर्मेशन करता है जो कि CO2 एक्सेप्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बंडल शीट में जो रिलीज होती है ये C3
साइकिल या कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करता है, और ये सारे प्लांट्स में कॉमन, मैंने सबसे कहा इस दुनिया में जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, चाहे वो C3 हो, चाहे C4 हो, चाहे कैम, उन सभी में कैल्विन साइकिल चलती है। बंडल सीड सेल जो है इसमें एक विशेष एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम को रूबिस्को कहते हैं। रूबिस्को का पूरा नाम बच्चों याद करना, रिबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये पूरा नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों ग्रुप में काम करता है, और बंडल सीड सेल में पेप्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। बेसिक पाथवे जो है इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन जो सुगर्स होता है वो कैल्विन साइकिल के ही द्वारा होता है, और ये जो है कॉमन है C3 एंड C4 प्लांट्स में। तो कैल्विन साइकिल बच्चों C3 में भी चलता है और C4 में भी चलता है। कैल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, सभी प्लांट चलता है। C4 प्लांट डज नॉट टेक प्लेस इन द मेसोफिल सेल, बट बेटा इसलिए चलता है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। इस पॉइंट को दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कैल्विन पाथवे अकर्स ऑल मेसोफिल सेल्स इन C3 प्लांट, यस। इन C4 प्लांट डज नॉट टेक प्लेस मेसोफिल, क्योंकि ड्यू टू रूबिस्को एब्सेंट। It do only in bundle seed cells. बेटा इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है बच्चे, देखिए एटमोसफियर से CO2 को आती है, स्टोमेटा द्वारा एंट्री करती है और ये बाईकार्बोनेट में चेंज होती है। पेप जो है बाईकार्बोनेट, CO2 चेंज इंटू बाईकार्बोनेट, यहाँ पहले फिक्सेशन होता है, और जो ये फिक्सेशन बेटा जो होता है ये जो है ये OAA के रूप में होता है, ओ ऑक्सलो एस्टिक एसिड, फिर ये चेंज हो जाता है मैलिक फिर चेंज हो जाता है स्पार्टिक एसिड, ये जो C4 ट्रांसपोर्ट होके प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, चूंकि बेटा आपको मालूम प्लाज्मोडेस्माटा ये प्लांट सेल का करेक्टर है, दो लिविंग प्लांट सेल के बीच जो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये C4 एसिड पहुंचता है और इससे CO2 निकल जाती है, इस प्रक्रिया को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जो यहाँ पे CO2 निकल जाती है ये CO2 को यहाँ पे RU रूबिस्को एंजाइम ट्रैप करता है और ये कैल्विन साइकिल स्टार्ट होती है, जिससे कि जाके शुगर का फॉर्मेशन होता है, शुगर शुगर का फॉर्मेशन होता है, और जो C3 एसिड बेटा बनता है वो पायरविक एसिड बनता है, CH3CO COOH, ये दो ओ हैं बेटा,
पायरुविक एसिड है, चूंकि इसमें तीन कार्बन है बच्चों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इसलिए इसको हम थ्री कार्बन एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। अब जो ये कार्बन है, तीन कार्बन का है, ये ट्रांसपोर्ट होके प्लाज्मा में पहुंचता है, ये रीजनरेट करता है बच्चों, और रीजनरेट करके फिर से पीईपी बनाता, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। जो ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। तो आप देख रहे होंगे ये एक साइक्लिक मैनर में पूरी प्रक्रिया चली, आप देखिए पूरी प्रक्रिया ये साइक्लिक मैनर में चल रही है, साइक्लिक मैनर में पूरी प्रक्रिया चल रही बेटा, ये आप देखिए, इसीलिए ये साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। बच्चों एक चीज़ और याद रखना है, जो मीजोफिल है ये ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रैनल GRANA ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अब बंडल सीज जो है ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल, मैं इसे दोबारा लिख दूं या इसे याद कर लीजिए, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा अगला टॉपिक है फोटोरेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का विषय बताने वाले वारबर्ग साहब थे, वारबर्ग। इफेक्ट भी कहते हैं इसको बेटा, इसको पीसीओ साइकिल भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन भी कहते हैं बेटा। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा हम C3 और C4 प्लांट में डिफरेंट करते हैं बच्चों। देखेंगे बेटा फोटो रेस्पिरेशन जो है C3 प्लांट में चलता है, C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। फोटो रेस्पिरेशन वी हैव नॉट लिटिल मोर अबाउट फर्स्ट स्टेप, देखेंगे बच्चों यहाँ पे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो केल्विन में होता है, उसमें दो मॉलिक्यूल पीजीए के बनते हैं बेटा,
जिसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। अगर हम इसको सबने कोशिश करेगा, मोर ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन है तो रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। और इससे एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक मोल फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड इस प्रक्रिया को फोटोरेस्पिरेशन कहते हैं। बच्चों देखिए, जब CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल PGA बनते हैं। ये तो कैल्विन साइकिल हो गई, ये कैल्विन साइकिल हो गई बेटा। केल्विन साइकिल हो गई, लेकिन जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर ऑक्सीजन, तो ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, जिससे एक मोल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक मोल फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है। इस प्रक्रिया को हम फोटोरेस्पिरेशन कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें बच्चों नो ATP फॉर्मेशन, ATP का फॉर्मेशन नहीं होता बच्चों। एक पॉइंट ध्यान देना बेटा, रूबिस्को चाहे प्रोटीन कह लें या एंजाइम, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में बेटा। और ये जो है, अभी मैंने आपसे बात किया है, इसमें दो टाइप के एक्टिव साइट होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आया बेटा ये, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों को बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को बाइंड करेगा। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल बेटा? अभी मैंने चर्चा किया है, रूबिस्को है, इसमें जो दो प्रकार की साइट हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जुड़ने की एफिनिटी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इक्वल होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन और CO2 के रिलेटिव कंसंट्रेशन पे।
लेकिन जब ये इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा, जो मैंने आपसे बात किया है। इन सी थ्री प्लांट्स सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू विस्को, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज। इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये देखिए सी थ्री प्लांट्स में ऑक्सीजन जब बाइंड करेगी रूबिस्को से तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कम होगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक तरफ पीजीए बनाएगी और दूसरी तरफ बेटा वो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो भी मैंने आपसे चर्चा किया है। आर यू बी पी इंस्टेड ऑफ बींग कन्वर्टेड टू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट और एक एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट। इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, फॉस्फोग्लिसरेट जो है या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है बच्चों, ये थ्री कार्बन मॉलिक्यूल है, थ्री कार्बन है और जो ग्लाइकोलेट ये दो कार्बन, इसीलिए फोटोरेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं, और ये फोटोरेस्पिरेशन इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, C2 साइकिल। फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे में ना ही शुगर का फॉर्मेशन होता है, ना ही ATP का फॉर्मेशन होता है और ना ही NADPH का फॉर्मेशन होता है। रिजल्ट रिलीज ऑफ CO2 विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, इसमें जो CO2 रिलीज होती है उसमें ATP का तो उपयोग होता है, लेकिन ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए फोटोरेस्पिरेटरी पाथवे जो है ये इम्पॉर्टेंट, नो ATP फॉर्मेशन, नो NADPH फॉर्मेशन और नो शुगर फॉर्मेशन, आप ये भी लिखिए नो शुगर फॉर्मेशन। अभी इसके विषय में बायोलॉजिकल क्या कारण इसके विषय में अभी रिसर्च होना बाकी है, अभी इसके से ज़्यादा जानकारी नहीं है बेटा। C4 प्लांट्स में फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता है, इसका कारण है क्योंकि इसमें एक प्रकार की प्रक्रिया मैकेनिज्म होती है जिसमें कि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और एंजाइम जो है वो CO2 कंसंट्रेशन जो है जब बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में जो CO2 है वो उसके एक्टिव साइट से जुड़ जाएगा और वो C4 एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जो ये C4 एसिड जो है ये बंडल शीथ में जाएगा और बंडल शीथ में ये जो चार कार्बन मॉलिक्यूल था उससे CO2 रिलीज होगी और ये CO2 रिलीज होके उसके अंदर इंट्रा सेलुलर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों ध्यान देना, CO2 कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा, क्योंकि बंडल शीथ में 4 कार्बन एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और इस प्रक्रिया में ये निश्चित हो जाता है कि रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की जगह फंक्शन जो है कार्बन मिनिमाइज दी ऑक्सीनेज एक्टिविटी, वो रूबिस्को का जो फंक्शन है वो कार्बोक्सिल मिनिमाइज हो जाएगा ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के लिए। C4 प्लांट्स लैक फोटोरेस्पिरेशन, अभी मैंने आज चर्चा किया है, प्रोबेबली अंडरस्टैंड द प्रोडक्टिविटी
इनकी ज़्यादा होती है और C3 प्लांट्स के अपेक्षा। और ये जो प्लांट्स हैं हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं, टॉलरेट करते हैं। बच्चों हमने आपको C3 और C4 के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बच्चे हमारे ध्यान देंगे कि कुछ टेबल दी गई है और इस टेबल को आप देखेंगे। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस, तो यहाँ पे C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल, C4 में बंडल सीड, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, मेसोफिल इसमें मेसोफिल इसमें भी मेसोफिल। हाउ मैनी सेल टाइप डस लीफ हैव दैट फिक्स CO2, इसमें 3 इसमें 2। विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, इससे बेटा RUBP, इसमें PEP, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, फाइव 3, विच इज प्राइमरी CO2 प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, इसमें PGA, इसमें बच्चों OAA, नंबर ऑफ PGAO, इसमें 3 कार्बन होंगे बेटा, इसमें 4 कार्बन होंगे। डज प्लांट हैव रूबिस्को, यस दोनों मुतार रूबिस्को बेटा, यस यस। Does the plant have PEP case? No. Yes. Which cell in the plant have Rubisco? Mesophyll. Bundle seed. कार्बन डाइऑक्साइड रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, लो हाई, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन लो लाइट इंटेंसिटी, नेक्स्ट लेवल, वेदर फोटो रेस्पिरेशन
high next level weather photorespiration would be present low carbon dioxide high next level weather for would be high CO2 concentration next level optimum temperature 20 से 25 ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जाम्पल डाइकॉट वेरी कॉमन इन Dicot and monocot some monocot जैसे मेज सॉर्गम सुगर केन वेरी रेयर डाइकॉट एमरंथस फैक्टर्स हैं बेटा फोटोसिंथेसिस पे कई फैक्टर्स काम करते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स जो हैं मेनली जो इसका है फोटो प्लांट और उसमें मुख्य रूप से क्रॉप प्लांट फोटोसिंथेसिस जो है प्रेरित करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्पॉर्टेंट चीज़ें फैक्टर एक्सटर्नल भी हैं और फैक्टर इंटरनल भी हैं प्लांट फैक्टर इंक्लूड नंबर साइज एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ इम्पॉर्टेंट चीज पहली नंबर ऑफ लीफ साइज लीफ का एज लीफ का ओरिएंटेशन है मेसोफिल्स कैसी हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट कैसा है इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन की मात्रा और उसमें अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कैसा है ये जो हैं इन फैक्टर्स हो गए प्लांट के फैक्टर्स हो गए जो इंटरनल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे और जो इंटरनल फैक्टर जो हैं जीन का कैसा कंपोजिशन है और प्लांट की कैसी ग्रोथ है इस पे डिपेंड करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात किया जाए बच्चों तो इसके अंदर अंतर्गत अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट आती बच्चों पहली चीज टेम्परेचर आता है दूसरी चीज CO2 कंसंट्रेशन आता है तीसरी चीज और वाटर आता है चौथी चीज
बच्चों CO2 कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में भी आप देख लीजिएगा, जो CO इम्पॉर्टेंट चीज़ है, CO2 कंसंट्रेशन ये एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी, पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है इस पे सारे फैक्टर्स का एक साथ इफेक्ट पड़ता है बच्चों, जो फोटो के रेट को निर्धारित करते हैं। जब कई फैक्टर्स एक साथ इंटरेक्ट करते हैं साइमल्टेनियस फोटोज की प्रक्रिया को या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को, तो उसमें एक जो फैक्टर जो मेजर कॉज करता है, जो उस प्रक्रिया को लिमिट करता है या रेट को लिमिट करता है, इस पॉइंट पे जो रेट डिटरमाइन जो फैक्टर करते हैं उसको बेटा सब ऑप्टिमम लेवल कहा जाता है। सब ऑप्टिमम लेवल, इसमें सबरल फैक्टर पे जो प्रक्रिया होती है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ब्लैकमैन साइंटिस्ट 1905 में इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया बच्चों, याद कर लेना, ब्लैकमैन साहब ने दिया था। इसके अनुसार ये बात होती है, जब कोई केमिकल प्रोसेस पे एक से अधिक फैक्टर काम करते हैं तो उसमें जो सबसे मिनिमम जो फैक्टर होता है वो केमिकल प्रोसेस की रेट को नियंत्रित या निर्धारित करता है, इसी को लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट है, CO2 कंडीशन है, प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ टेम्परेचर इज वेरी लो। अब देखिए, तो इस जगह पे आप अगर देखें जो है, टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। टेम्परेचर जो है बच्चों लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर बेटा। अब यहाँ पे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की आपसे बात कर रहे हैं, जो लाइट है, लाइट है बच्चों, इसमें लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, तीन चीज़ों को आपको ध्यान देना है बेटा। लाइट की क्वालिटी, लाइट की कितनी तीव्रता है, इंटेंसिटी, और कितनी ड्यूरेशन तक, कितने समय तक लाइट के संपर्क में प्लांट रहता है, ये तीन चीज़ें फोटोसिस पे इफेक्ट डालती हैं। और ये लाइट एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पे बेटा एक ग्राफ लिया गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, इस जगह पे जब लो लाइट इंटेंसिटी है, लो लाइट इंटेंसिटी है, तो ये लीनियर आ रहा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक समय बाद लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ती जाती है तो रेट ऑफ फोटो कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे है कि कोई ना कोई ऐसा इसमें जो फैक्टर है, जो कई फैक्टर्स काम करते हैं, वो लिमिटिंग की तरह काम कर रहा है। देखिएगा, ये पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एट लो लाइट इंटेंसिटी पूछा जा सकता है। लो लाइट इंटेंसिटी पे बच्चों अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी के बीच ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ कैसा आता है, लीनियर आता है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी द फोटो रेट नहीं बढ़ता है। इसका ये मानना जाता है कि जो कई फैक्टर हैं उसमें कोई ना कोई
जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लगता है। इंटरेस्टिंग नोट, बड़ा बहुत रोचक बात यह है कि जो लाइट आती है उसका टोटल लाइट के 10% पे ही सैचुरेशन हो जाता है, एक्सेप्ट कुछ प्लांट को छोड़ के जो छायादार जगहों पर रहते हैं या डेंस फॉरेस्ट होते हैं। लाइट जो है बहुत रेयर या बहुत कम लिमिटिंग फैक्टर की तरह नेचर में काम करती है। इंक्रीज इन, अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, जिससे इस प्रक्रिया को सोलराइजेशन कहते हैं। बेटा सोलराइजेशन कहते हैं बच्चों, और इसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है। बेटा ये ध्यान रखना, बेटा मेजर लिमिटिंग फैक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेरी लो एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाया जाता है, जो कि 0.03 से 0.04% के बीच होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन 0.5% तक बढ़ता है तो कार्बन डाइफिक्सेशन रेट इंक्रीज करता है, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके बाद अगर वो बढ़ता चला जाता है लंबे समय तक, अगर ये होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाती है। C3 और C4 प्लांट के जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिफरेंट प्रतिक्रियाएं करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज है, मैंने आज पीछे चर्चा भी किया है। लो लाइट कंडीशन पे चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, बट ये रिस्पांस हाई CO2 कंडीशन में नहीं करते हैं। एट हाई लाइट इंटेंसिटी C3 और C4 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनकी इंक्रीज होती है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर आपको याद रखना है। C4 प्लांट शो सैचुरेशन जो होता है वो 360 माइक्रोलीटर प्रति लीटर है, और C3 जो इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेशन जो होता है इनका 450 माइक्रोलीटर पर लीटर होता है। इसके मतलब ये हुआ कि करंट अवेलेबिलिटी के आधार पे अगर देखा जाए तो C4 प्लांट्स हैं उनका तो सैचुरेट हो गए, लेकिन फर्दर जो हैं अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बड़ा जिसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, CO2 मुख्य काज होता है, तो जो CO2 लेवल जो है उसमें C3 प्लांट्स पे उस पर फ़र्क पड़ने लगेगा, क्योंकि अभी वो है वो 360 पे सैचुरेट हो चुके हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सैचुरेशन 450 माइक्रोलीटर प्रति लीटर चाहिए। इसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए C3 प्लांट जो हाई CO2 कंसंट्रेशन पे अपनी फोटो प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है। उन प्लांट्स को हम ग्रीन हाउस क्रॉप्स कहते हैं। ग्रीन हाउस क्रॉप्स के अंतर्गत आपकी बेटा याद करें टोमेटो और बेल पीपर आता है, टमाटर और शिमला मिर्च आता है, जो कि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने पे एटमॉस्फेयर बढ़ने पे इनकी यील्डिंग जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट बेटा टेम्परेचर आता है बच्चों। डार रिएक्शन एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, आपको मालूम एंजाइम टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव होते हैं,
These reactions are also temperature sensitive, affected much lesser extent. C4 plant जो हैं high temperature पे और so high rate of photosynthesis को करते हैं बच्चों, और जो C3 plant हैं अपेक्षाकृत कम temperature पे, optimum temperature पे photosynthesis process को अच्छी तरीके से करते हैं. टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट प्लांट जो शो करते हैं वो हैबिटेट, किस हैबिटेट में वो अडाप्ट हुए हैं. ट्रॉपिकल प्लांट्स इम्पॉर्टेंट याद कर लिएगा बेटा, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम पे पाए जाते हैं कंपेयर टू टेम्परेट प्लांट के, जो टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं बच्चों. आखिरी फैक्टर है बच्चों वाटर, जो रिएक्टेंट होता है. लाइट रिएक्शन में आपसे चर्चा हुआ था बेटा, आपको बताया था वाटर जो है इसके तीन पार्ट हुए थे, प्रोटॉन में टूटा था, इलेक्ट्रॉन में टूटा था और ऑक्सीजन में टूटा था. ये आपको मालूम है, प्रोटॉन थैलाकोइड के ल्यूमेन में चला गया था, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम में चला गया था, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई थी. द इफेक्ट ऑफ वाटर फैक्ट मोर थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्लांट, ये इसका इफेक्ट डायरेक्टली ना पड़ के इसका इनडायरेक्ट पड़ता है. मान लीजिए वाटर की कमी हुई तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और वाटर स्ट्रेस जो है जिससे पत्तियां मुरझा जाएंगे, विल्ट कर जाएंगी, और जिससे उनका सरफेस एरिया कम कर जाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे उसके प्रभाव पड़ेगा. बेटा आगे का जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जिसमें हम PGR के विषय में डिस्कस करेंगे.